अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 12 है। ये लूप्स के बारे में हमने अभी तक मतलब चैप्टर नंबर 12 को पढ़ने से पहले हम कुछ जो चीज़ें पिछली वो रिपीट करते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था कि हम सी लैंग्वेज के अंदर टोटल कितने इकसाम के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होती हैं। उनमें एक सीक्वेंस है, एक सिलेक्शन है, एक रेपिटेशन है और एक फंक्शन कॉल है। चैप्टर नंबर 9 और 10 के अंदर हमने सीक्वेंस स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। 11 के अंदर हमने सिलेक्शन पढ़ ली थी जिसमें हमने इफ़ और इफ एल्स और इफ एल्स इफ के बारे में पढ़ा। अब रेपिटेशन स्ट्रक्चर है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स के लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होती है या जो टर्मिनोलॉजीज़ या जो टेक्निक इस्तेमाल होती है सी लैंग्वेज के अंदर, उसको हम लूप बोलते हैं, लूप या लूप्स कह लें। लूप्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पहले भी बताया था, लेकिन लूप्स मतलब आप फिर दोबारा सुन लें कि लूप्स के अंदर क्या होता है। ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती हैं किसी कंडीशन की बुनियाद पर। ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दैट आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन, जो कि एक कंडीशन की बुनियाद पर बार बार एग्जीक्यूट हों। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं, देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि आप लूप्स के अलावा मतलब प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हुए काउंटिंग लिखें, तो आप क्या करेंगे? आप प्रिंट एफ लिखेंगे और उसमें सारी काउंटिंग लिख देंगे, जैसे इस तरह, मतलब आप प्रिंट एफ लिखेंगे और आगे परसेंटेज डी लगाकर, मतलब अगर मैंने 100 तक काउंटिंग लिखनी है, अगर मैंने 100 तक काउंटिंग लिखनी है तो मुझे 100 पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। या इस तरह कर लें, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मतलब मुझे सारी की सारी काउंटिंग खुद लिखना पड़ेगी। लेकिन यही काम अगर हम लूप के अंदर जाके करेंगे तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे और वो एक स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो कर सारी काउंटिंग खुद ब खुद लिख देगी। यानी कि लूप्स जो होते हैं वो हमारी मेहनत को बचाते हैं, हम मेहनत कम करते हैं, हम लाइंस कम लिखते हैं, लाइंस ऑफ कोड कम लिखते हैं, लेकिन हमारा काम ज़्यादा होता है। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर के अंदर आउटपुट ट्रेसिंग भी आती है, इस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। ये चैप्टर्स मतलब चैप्टर नंबर 11 की निस्बत बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसको समझना काफ़ी अहमियत का हामिल है। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास इसके टाइप्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। हमने क्या करना है कि वाइल लूप मतलब सबसे पहले पढ़ेंगे उसकी थ्योरी, उसको अटेम्प्ट करने का तरीका और उसके साथ उसके प्रोग्राम्स करेंगे। जो प्रोग्राम्स हैं वो मैं आपको परफॉर्म करके उसकी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको सेंड किया करूँगा। बोर्ड पर मैं आपको सिर्फ थ्योरी समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद डू वाइल आएगा और फिर फॉर लूप आएगा।